इस प्यार के सदके। एटिकेट सिखाओ इसे। तो बहुत खूबसूरत हो। हमारे माजीबीन को शायद ड्रॉप करने गए घर। माजीबीन को क्यों? शाम तक ही गारंटी है, तब तक महफूज है। उसके बाद क्या मैं सच्ची में वहां बनने वाली हूँ? क्या बनाया खाने में? सोच रही थी आलू गोश्त बना दूं। अम्मा मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो। नहीं नहीं नहीं, मैं मां बनने वाली हूँ। अब्बा मुबारक हो, तुम नाना बनने वाले हो। जीती रहो। अब्बा शर्मा गए। अरे हया, एक तू ही है जैसे शर्म नहीं आती। बाप के सामने ऐसी कोई बात करता है? अम्मा मैं मां बनने वाली हूं, इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती हो तुम मेरी। यहां फ्रूट शूट ला के दो तुम मुझे। ये पूरा मुझे बैलेंस अभी करके लाके दे, मैं मीटिंग में करना है। जल्दी जल्दी लेके जाइए प्लीज। मैं इम्प्रूव आवर फाइनेंशियल पोजीशंस, मैं मैनेजिंग सेल्फ एसेट्स, ऑफर मार्कडाउन, इंक्रीज प्राइसेस। Use new marketing techniques. ये मेरी तरफ से। हमारे लिए थैंक यू, बट मुझे ये नहीं पसंद। फिर क्या पसंद है तुम्हें? यार तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक नई लड़की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए जिसके साथ तुम अच्छा टाइम गुजार सको। आई एम नॉट द वन। मुझे तुम्हारे साथ वक्त नहीं, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। एक मिनट एक मिनट, तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्होंने ख्वाब देखे होंगे कि वो शादी करेगी। They're like crazy about love. I'm not the one. तुम अपने लिए ऐसी लड़की तलाश करो जो तुम्हारे साथ खुश रहे। Not me. Excuse me. Hello? हाँ माजीबीन बोलो। What? मैं बस अभी आ रही हूँ, तुम खो और मॉम को कुछ नहीं बताना। ओके मैं बस आ गई। घर का समधी क्या बन गया? अपने आप को बड़ा समझने लगा है। समझता है कि डरा के ब्लैकमेल करके अपनी चोरी अपने गबन को छुपा लेगा। और मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम्हारे अंदर से बचपना कब जाएगा? भाभी अब तो आप इस बचपने की आदत डालें। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बहुत जल्दी ग्रैंडमा बनने वाले हैं।
क्या ये सच है? I'm so excited. मिठाई खोलते ना. बहुत बहुत मुबारक. आओ माँ जबीर, आ जाओ. मशमा मुझे भी देना. माम तुम लो. आप ओके. सो मेरा जो आइडिया था वो ये कि दैट वी हैव टू चेंज द बिजनेस स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियोस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इस स्टेज पे आई डोंट थिंक सो दैट हमें इतने फर्दर रिस्क लेने चाहिए. दैट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड आप ये चीज़ ये सारी चीज़ें आप प्लीज नोट डाउन कर दें. जी सर. जितने भी फैक्ट्स एंड नंबर्स वगैरह होंगे डिस्कस दैट लेटर. गुड आइडिया सर. थैंक्स. एंड एक सेकेंड. क्या कहा आपने? गुड आइडिया सर. यानी कि इन्होंने जो सारी बकवास की आपको अच्छी लगी है? यस सर. क्या हो गया आप लोगों को? अंधे हो गए, बहरे हो गए या दिमाग खराब हो गया? ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगना लगा? ये हमारी कंपनी चलाएगा जो खुद दूसरों के इशारों पे और दूसरों के सहारे से चलता है. ये कंपनी चलाएगा, ये पॉलिसीज बनाएगा हमारी. ये अकलाता हुआ लूजर. आप लोगों में इतना कैरेक्टर होना चाहिए कि कोई आइडिया अगर बुरा है वो कहीं से भी आए आप उसे बुरा कहें. जाए नई पॉलिसी प्रेजेंट करें मुझे. शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात. बात सुन ए लड़के, बात सुन मेरी. छोड़ दे मिट्टी डाल उस पर और अपनी बेवकूफियों पे ना फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जा. कौन सा मैं मर गया या मेरा दिल मर गया कि मिट्टी डाल के फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जा, और ना ही इतना कम हिम्मत हूं कि किस्मत के सामने अपने घुटने टेक दूं. तुझे वो वक्त तो याद होगा ना जब हमारे पास खाने को भी नहीं था, भूखे सोया करते थे. तेरा ये बेटा उस वक्त भी खाली पेट बड़े ख्वाब देखा करता था, जहाजों पे उड़ने के, बड़े सी गाड़ी चलाने के,
एक आलीशान घर में रहने की, ये सब ख्वाब मैंने पूरे किए हैं ना, ये भी पूरा करूंगा। क्या करेगा, क्या करेगा तू, बल्कि तू कर क्या सकता है? अरे उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है। एक लगाओगी तुझे थप्पड़। कमबख्ती मारा, डरा के रख दिया। बस कर। एक भोली, एक नादान, एक मासूम सी लड़की पे पागल हो गया, मेरी जिद बन गई है वो। एक मुंशी के सामने हार जाऊं मैं? एक मुंशी की ख्वाब के सामने मैं अपना ख्वाब, एक मुंशी की बेटी मेरा सिर्फ ख्वाब बन के रह जाए? वो ख्वाब, उसका ख्वाब, भयानक ख्वाब। भुला दे मुन्ने, उसे भुला दे, हर चीज पूरी नहीं होती। होती है मां, तेरे पास पैसा हो, ताकत हो तो हर जिद पूरी होती है, यही कहा करती थी ना तू मुझे। ये जिद पूरी होगी मेरी, अगर मेरी ना होती तो मैं शायद समझौता कर लेता, लेकिन उस लड़के की होगी, ये नहीं हो सकता। उस लड़के को तो मैं ना दीन का छोड़ूंगा ना दुनिया का। संभल के खेल, ऐसा ना हो कि हारने के बजाय मारा ही जाए। उस हकले को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बना लिया है, कल चलेंगे। हाँ प्यारा है बहुत। आगे हाय ना, बैठी ना। वालेकुम सलाम, बैठो। अपसेट है, तुम जाके बात करो उससे। मैं आपके पास भेजूं, आप पूछ लीजिएगा। हैं नहीं, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुम उसकी बीवी हो, बल्कि बीवी बन के नहीं उसकी दोस्त बन के रहो, ताकि वो तुम्हें कुछ भी बता सके बिना झिझक। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम जाओ पूछो। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। लेकिन अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 6। लेकिन आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम तो भी प्लीज जाओ यहां से, मैं बहुत परेशान हूं। आपको रोना क्यों आ रहा है? रोना क्यों आ रहा है? तुम क्यों परेशान हो? नहीं, मैं तो इसलिए परेशान हूँ, क्या आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू हैं? नहीं, मैं तो नहीं रो रहा, मैं कहाँ रो रहा हूँ? तुम जाओ ना प्लीज यहाँ से यार। नहीं, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? यहाँ बीवी तो एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं ना, और मुझे तो ये पता है कि जब आप रोएंगे तो मुझे रोना चाहिए, जब आप हंसेंगे तो मुझे हंसना चाहिए। तो बताए ना क्या हुआ? अरे बताएं तो सही। लूजर हूं मैं, बहुत बड़ा लूजर हूं मैं, कुछ नहीं होता मुझसे। तुम्हें पता है आज मीटिंग में भी ना गलत मशवरे दे रहा था सबको मैं। ओ
वो तो आपको किसने कहा है अपनी गलती माने? भाई मैं तो अपनी गलती कभी नहीं मानती, कभी भी नहीं। तुम्हें पता है आज डैड ने मुझे सबके सामने क्या बोला? क्या लूजर बोला मुझे सबके सामने? अरे लूजर होंगे खुद, उनका बाप, उनकी माँ, उनका पूरा खानदान। भाई मैं तो कहती हूँ मुझे अगर घर से ना निकाले तो नीचे जाके ऐसा तमाशा लगाऊ मैं कि रहे नाम सिर्फ अल्लाह का। मैं तो कहती हूँ वशमा बिल्कुल सही करती है। ये क्या बातें कर रही हो तुम? अरे आप चुप रहो जी, आपको नहीं पता हमारे मोहल्ले में औरतें लड़ती कैसे। खराब स्टाइल है, अच्छा स्टाइल नहीं है ये। अच्छा तो फिर मैं प्यार से लड़ लूंगी। हाँ, प्यार से। लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है? क्या करोगी जान के तुम? अम्मा कहती हैं कि शौहर को बीवी के दिल के करीब होके सारी बातें करनी चाहिए। आप आए ना बैठ के तसल्ली से सारी बातें बताएं मुझे, आखिर हुआ क्या ऑफिस में? भाई किस बात पे बेइज्जती हुई? आए बैठे बैठे बैठे, अब पूरी तफसील से बताओ कि हुआ क्या है आज ना। मैं जब उनके एक मिनट, वैसे वो उसका लूजर का मतलब क्या होता है? वो जो लूजर उन्होंने कहा उसे, क्या क्या नहीं नहीं हुआ क्या? चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। सब सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। क्या कह रही है मम्मी? मुझे तो लगता है ने कुछ पता ही नहीं है। निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। मम, हमारे मोहल्ले में ना भाभी शायदा थी, वो ब्याह कर गई और फिर उन्हें उल्टी हुई, और 9 महीने के बाद ना अब्दुल मनान हुआ था उनके यहाँ, तो फिर उल्टी तो मुझे भी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम बाहर जाओ, मैं बात करके आती हूँ। जाओ, शाबाश। सॉरी, इट्स ओके। मेरे ख्याल में इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से इनको वॉमिटिंग भी हुई है, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, इनको खिलाइए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वैसे ये आपकी बहू है? जी। बुरा मत मनाइएगा, मगर आप अपने बेटे से बात करें, मुझे लगता है कि इनके रिलेशन में काफी फासला है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, थैंक यू डॉक्टर साहबा, मैं दवाई ले लूंगी इसके लिए। वो डॉक्टर मान गए क्या? हाय अल्लाह मॉम, आपका क्यों मूड खराब हो रहा है? मैं तो कहती हूँ इस डॉक्टर की बातों में मत आए आप। हमारे मोहल्ले में चले, वहां पे एक डॉक्टर आनी है, उसके पास चलते, साफ साफ बता देगी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मॉम इस डॉक्टर को तो कुछ पता ही नहीं था, फिर चले हमारे मोहल्ले में। चले? नहीं तुम अंदर जाओ, मैं बैंक से कुछ काम है वो करके वापसी पे तुम्हें लेता हूँ। अकेले ऐसे कैसे चले जाऊ आपके बगैर? वो भी अगर उन्हें बुरा लग गया तो? सीमा समझा करो, बेगम साहिबा ने मुझे देख लिया तो उन्हें बहुत उलझन होगी। अब वैसे भी देखो खुशी का मौका है उनके घर में, और मैं नहीं चाहता कि
मेरा सामना और उनकी खुशी उलझन में तब्दील हो। मुबारक हो बेगम साहिबा, वो मैं मिठाई लेकर आई थी। देखा, मेरी अम्मा को भी यकीन है कि मेरे यहाँ खुशखबरी है। मुझे क्यों घूर रही है? इनका मुंह तो पहले से खराब है, मेरी वजह से थोड़ी खराब हुआ है। डॉक्टर के पास से जब से आई है तब से खराब है। माजबीन बेटा, हर वक्त नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होते। अम्मा सास के सामने तो इज्जत रखिया करो, हर वक्त डांटती रहती हो। बेगम साहब आप इसको छोड़ें, आप लेना, अपना मुंह मीठा करें। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लगता है आपके घर जाके कुछ गलत खा लिया तो बीमार हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो घर जाके कुछ भी नहीं खाया था अम्मा, मैंने तो कुछ नहीं खाया था घर जा। हाँ, घर आने से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था, असल में अपनी पसंदीदा खाने की उन्होंने कहा था किसी को मत बताना। मॉम, आप बड़े साहब को मत बता दीजिएगा, कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। है बेगम साहब, मैं फिर चलती हूँ। हैं, इजाजत। नहीं नहीं सीमा, खाना खा के जाना। माजबीन बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बड़े साहब भी नहीं? नहीं, बड़े साहब भी नहीं। अब आपने कर दिया ना। अब मुझे कोई नहीं निकालेगा। से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था, असल में अपनी पसंदीदा खाने की। किस चीज का पछतावा? शायद खुद से पछता रहा हूं, शायद तुम्हारा। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे, क्या कहा? गुड आइडिया सर। जब शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात? तुम्हें क्यों ये हमेशा शक होता है कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर नहीं, रिप्लेस। मैं अपने शौहर को शेयर करने में यकीन नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप आई नहीं थी तो कॉल कर देती, मैं जल्दी घर वापस आ जाती। मैं एक्चुअली अब्दुल्ला की बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर वो जल्दी हमें कोई गुड न्यूज सुनाएगी। नहीं, परेशान होने वाली क्या जरूरत? जरूरत ही तो इंसान को परेशान करती है, पहले अपने से जुड़े हुए रिश्तों की जरूरत, फिर जुड़े हुए रिश्तों से मोहब्बत की जरूरत, और अगर ये सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी बड़े सुकून से निकल जाती है, वरना हसरत ही रह जाती है। क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है?
ठीक लगता तो है, ना जाने ठीक है भी या सिर्फ धोखा है। कभी कभार लगता है जैसे मैं रेगिस्तान में एक भटकते मुसाफिर की तरह फिर रही हूं, आगे ठंडे पानी का तालाब नजर आ रहा है, चाहते हुए भी ना मैं उस तक कदम नहीं उठा पा रही, इसी खौफ में कि वहां तक अगर पहुंच गई तो शायद वो एक सैराब ही निकल आए। लेकिन कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे, वरना झूठी उम्मीद पे वहीं खड़े खड़े प्यासी मर जाएंगे। सच जान के मरने से बेहतर है कि इंसान झूठी उम्मीद पे ही जीता रहे। इसे जीना नहीं मरना कहते हैं, पल पल मरना। भाभी, इंसान अपनी सारी जिंदगी एक झूठी उम्मीद पे नहीं गुजार सकता, फैसला तो करना पड़ता है, आर या फिर पार। यही तो मुश्किल है बस। डैड, आप डैड मैंने सोचा कि आप अपने सगे बाप के दफ्तर में बैठे हैं तो शायद सौतेले बाप को भूल गए होंगे, तो सोचा खुद आ जाता हूं तारुफ करा लूं अपना। ना, आप खड़े क्यों हो गए अब्दुल्ला साहब? बैठे यहां प्लीज, आपकी कुर्सी है, बैठे बैठे यहां। ऐसे पैसे ना पड़ने डाल। कल शायद मैं कुछ ज्यादा रूड हो गया था, सोचा मैं आपसे माफी मांग लूं, प्लीज फॉरगिव मी। नहीं बनता तो है ना, बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर सोचा एक तीर से दो शिकार कर लेते, माफी भी मांग लूं और आपको मुबारकबाद भी दे दूं। कैसी मुबारकबाद? क्या मतलब? अब तो आप खुद डैड बनने वाले। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेट्स डैडी, हाउ डज इट फील? अब वो अलग बात है कि मैंने आपको समझाया था कि आप उस लड़की से दूर रहेंगे क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करने की तरह की चीज करेगी। मैं जानता हूं इस जात को, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। शायद आप मेरी बात की वैल्यू ही नहीं करते, परहैप्स, और क्यों नहीं करेंगे? ऑफकोर्स, सुतेला बाप जो हूं ना, सगा बाप नहीं हूं मैं। गलत समझने बात ऐसी, आपका हक है, बीवी है आपकी, मैं ही बेवकूफ हूं। मैं जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचा था, आई एम द इडियट हियर। आप क्यों अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे? आप तो अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। फ्यूचर तो आपका सेफ है, उसी वक्त सेफ हो गया जब आप पैदा हुए थे। शबाज साहब का बेटा पैदा हुआ था, उनका वारिस पैदा हुआ था। फ्यूचर के बारे में हम जैसे लोग सोचते हैं जिनको रोज एक कुआं खोदना पड़ता है अपनी रोजी रोजे की तलाश में। आप लोग लड़ी सिल्वर स्पून। देखें, आप गलत समझ रहे हैं, आई ओबेड यू, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ, कुछ नहीं हुआ डैड हमारे बीच में। झूठ मत बोलना, डोंट लाई। आई एम नॉट लाइंग डैड, आई प्रॉमिस, आई एम नॉट लाइंग। आपने कहा था ना फासला रखो, कहा था ना फासला ही है। आई प्रॉमिस डैड, प्लीज ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं हुआ डैड। तो फिर वो इतने दावे से किसान कह सकते? Oh God, Dad. Oh God, this. शक्ल से कितनी मासूम लगती है और किरदार कितना गहरा है। अगर वो तुम नहीं हो तो फिर Thank you.
डैड वो मुझे ऐसी ऐसी लड़की नहीं लगती। क्या मतलब ऐसी नहीं है? वेक अप, ये आंखें खोलो, दुनिया देखो। अगर वो ऐसी नहीं है तो तुम दावे से किस तरह कह रही है एंड यू डिनाइंग इट? मैं ऐसी ऐसी तो फिर जाओ जाओ इसी वक्त और उससे पूछो कि किसका पाप पाल रही है वो। तुम्हारी बीवी है, गैरत है तुम्हारी। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसे हाथ से पकड़ के घर से निकाल देता। अगर तुम में गैरत है तो तुम ही करोगे। अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल है तुम भी इसी वक्त ये करोगे। I'll go and I'll talk to her right now. आ जाए ना अभी, बड़ा मजा आ रहा है। एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछे। तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास एकदम। ऐसी थी तो जीना। तुम प्रेग्नेंट हो? कैसे हो सकती हो तुम प्रेग्नेंट? ये कैसा सवाल है? आपको पता है ना? नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि कैसे हो सकती है। भाई क्या, जब शादी होती है तो हर कोई माँ बाप बनना चाहता है। आप बाप बनना चाहते हैं ना? क्या बाप बनने का शौक नहीं है? नहीं है। तो फिर मैंने तुम्हें एक शरीफ, एक इनोसेंट लड़की समझा था, तुम शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे शर्म की क्या बात है, शर्म की क्या बात है? जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी को तो शर्म नहीं आई थी। हाँ भाई, हर लड़की का ख्वाब होता है मैं भी मां बनना चाहती हूँ। तुम जाओ अपने घर, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दोगी। तुम अपने घर जाओ प्लीज, बस अभी जाओ। अरे अरे क्यों जाऊं? क्या है, क्यों जाऊं मैं? ये मेरा घर। कोई घर नहीं है तुम्हारा, तुम जाओ अपने घर प्लीज।
इस प्यार के सदके।